एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद आयुषी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन का रिव्यू। सो विदाउट फर्दर डू, लेट गेट स्टार्ट इट। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। ओके, सो दिस इज द वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फिनिश फाउंडेशन। इट इज़ द पैकेजिंग, हाउ इट लुक्स। एंड ये एक ऐसे स्पैचुला के साथ आता है, तो हम इसे स्पैचुला के थ्रू अप्लाई करेंगे। एंड माय शेड इज़ गोल्डन बेज, तो इसे हम अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम अपने स्किन को प्रेप कर लेते हैं। नाउ आई यूज़ अ गुड वाइप सीरम, इसे मैं पहले अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। सो इससे पहले भी मैंने वेट एंड वाइल्ड एक बार यूज़ किया है, पर उसका फुल रिव्यू नहीं शेयर किया था। तो मैं बता दूं कि ये ड्राई फाउंडेशन है, मैट काइंड ऑफ फिनिश देता है। तो इसलिए अगर आपकी ड्राई स्किन या एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, तो आपको अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना होगा, अच्छे से मॉइस्चराइज करना होगा, ताकि ये ईजिली ब्लेंड हो जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन एप्लीकेशन से। आपके मन में एक ख्याल तो ज़रूर आ रहा होगा कि मैंने प्राइमिंग नहीं की, कलर करेक्टिंग नहीं की। सो मैं बिना प्राइमर और बिना कलर करेक्टिंग के देखना चाहती हूँ ये फाउंडेशन कितना वर्क करता है, कितने अच्छे से ब्लेंड होता है और कैसी कवरेज प्रोवाइड करता है। आई नो प्राइमिंग ज़रूरी है, बट जो मैंने सीरम यूज़ करा, आई थिंक इट्स इनफ टू प्राइम माई फेस। सो आई यूज़ दिस ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, एंड स्टार्ट ब्लेंड इट आउट। सो डन, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन। इट इज़ मोस्टली फुल कवरेज, मीडियम टू फुल कवरेज। एंड आई थिंक मैं इसे थोड़ा और बिल्डअप कर सकती हूँ फुल कवरेज के लिए, क्योंकि मैंने कोई भी कलर करेक्टर या फिर प्राइमर भी स्किप किया है इसके साथ के लिए। सो मैं इसकी एक लेयर और बिल्ड करूँगी। नेक पे भी अप्लाई करूंगी मैं, और आई थिंक इसके साथ मुझे कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है, ब्लेंडिंग काफ़ी स्मूथ है। हाँ, ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी पैची हो सकता है, तो आपको अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करना होगा। आप देख सकते हैं मेरे डार्क स्पॉट्स भी इसने कवर कर दिए हैं विदाउट एनी कलर करेक्टर, एंड नाउ इट्स कन्वर्टेड टू फुल कवरेज बेस, एंड इट दिस इज सफिशिएंट फॉर एनी टाइप ऑफ लुक एंड एनी काइंड ऑफ ब्राइडल लुक। यू कैन क्रिएट अ ब्राइडल मेकअप विद दिस ऑल्सो। सो नाउ गो अहेड विद कंसीलर, देखते हैं कंसीलर इसके ऊपर कैसा ब्लेंड होता है, कैसा बैठता है। नाउ आई पेयर इट विद एन वाई बे कंसीलर। उप्स, इसका टॉप ही अलग हो गया। आई यूज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कंसीलर एट दिस। नाउ अगेन आई ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ ब्रश। I just pressed it into the skin to blend. It's perfectly match. ये foundation I don't know, कैमरे पे बहुत white दिख रहा है, but actually में base काफी flawless आ रहा है इससे।
नाउ आई एम यूजिंग अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड ओवरऑल द मेकअप. Now I'm going to do my full face makeup and come. I'm back. So this is the final look which I created with with Wet n Wild Photo Focus Finish Foundation. This is the look of when I'm not using any color corrector or primer, and I hope this foundation will stay for a long and. एक प्रॉब्लम बस ये है कि ये ड्राई स्किन वालों के लिए फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब हट सकता है, तो प्लीज़ प्रेप योर स्किन वेरी गुड एंड दिस इज़ द ओवरऑल लुक. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो हाउ यू रेट दिस लुक 10 आउट ऑफ दिस एंड हाउ यू रेट दिस फाउंडेशन. एंड टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय बाय. स्टे सेफ स्टे होम.